दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। सलमान की भाईजान में शहनाज किसके ऑपोजिट नजर आएगी? क्या शादी करने वाली है शहनाज? आखिर शादी के लिए कौन सी शर्तें रख डाली? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जुयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, शहनाज गिल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय नाम है। बिग बॉस में आने के बाद तो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने फैंस को अपना दीवाना बना दिया। आज वो सोशल मीडिया स्टार हैं और हर कोई उन्हें फॉलो करता है। वो एक फैशन आइकन बन चुकी है। वहीं दोस्तों, हाल ही में शहनाज ने नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता को एक मज़ेदार इंटरव्यू दिया, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जब शहनाज गिल से मसाबा ने पूछा कि एक फ़ैन कह रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहता है, तो इस पर शहनाज ने कहा कि भेज दो बाय डेटा और ये भी कहना कि मुझे झेलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी अच्छी लिसनर नहीं हूँ। जिससे शादी होगी वो दिन भर बस मेरी बातें सुनता रहेगा और उसे पूरे दिन मेरी ही तारीफें करनी है। साथ ही शहनाज ने कहा, जिससे भी मेरी शादी होगी वो पक जाएगा, क्योंकि 24/7 उसे मेरे बारे में बात करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगी। ये सब सुनकर मसाबा चौंक जाती है और इसके बाद वो पूछती है कि शहनाज आप इतनी क्यूट कैसे है? शहनाज कहती है, जो मेरे दिल में होता है वो जुबां पर होता है। मैं किसी से कुछ छुपा ही नहीं सकती, जो मन में आता है बोल देती हूँ। और शहनाज की यही खासियत लोगों का दिल जीत लेती है। आपको बता दें, रियलिटी शो बिग बॉस 13 में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच एक रिश्ता बना था। शो के बाद उन्हें अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता था। उनकी डेटिंग के भी अफवाह थे, लेकिन दोनों ने कभी इसे कंफर्म नहीं किया। अचानक शहनाज गिल के दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के गुजरने के बाद शहनाज अंदर ही अंदर से टूट गई थी और कुछ महीनों तक सोशल मीडिया पर भी नज़र नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे शहनाज ने मूव ऑन किया और अब बॉलीवुड में कदम रखने जा रही है भाईजान के साथ, जिसमें कि जस्सी गिल के साथ वो रोमांस करती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म में सिद्धार्थ निगम और राघव जुयाल जैसे एक्टर्स भी हैं। तो दोस्तों, भाईजान का आपको कितना इंतज़ार? अपनी शहनाज को बड़े पर्दे पर देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।